हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम वीलो ही देख रहे हैं और तो कुछ देख नहीं सकते, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं जैसे, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ लग रहा था बच्चे लोग को, तो हम लोग इसको क्विक रिविज़न में एक बार समझ लेंगे, वन शॉट में गएंगे और कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है। ये रेशियो जो है ना सबको पागल करती है कि आखिर है ये रेशियो क्या। तो मैं सिंपली लेके आऊँ, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो आप लोग का एक ट्रायंगल में रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका एक्यूट एंगल का रेशियो जो रहता है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर ऑल्सो कॉल्ड टी रेशियोज, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन राइट एंगल ए बी सी आर डिफाइंड बिलो। जैसे कि एंगल ए हम लोग का यहाँ पर क्या है, एंगल ए यहाँ पर आपका लिया गया है एक एक्यूट एंगल, क्या लिया गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल लिया गया है और ये आपका 90 डिग्री है जैसे कि आपको पता है। तो हमारा ये हाइपोटेनियस हो गया और ये प्रिपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको साइन थीटा, देखो अब इसमें कोई भी राइट एंगल हो उसके सिक्स टाइप के होते हैं, सिक्स रेशियो होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला रेशियो होते हैं साइन थीटा, ठीक है। अगर हम लोग ए को ले रहे हैं तो साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है ना, पी बाय एच होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा ए, साइन ए, तो साइन ए हमारा ये तो ये है मेरा, यस। तो हमारा पी क्या है ये और एच क्या है ये, तो हम लोग लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, यस। क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ए सी, ये हमारा रेशियो हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरा नंबर की। तो दूसरा साइन ए के बाद होता है कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए में क्या होता है, बी अपॉन एच। तो यहाँ पर बी अपॉन हम लोग का क्या था, बी है हमारा ए बी, ठीक है। बी हमारा क्या है, ए बी, यस। और एच क्या है, ए सी। उसके बाद होता है हमारा साइन कॉस, उसके बाद होता है हमारा सॉरी साइन कॉस टेन होता है, क्या होता है, टेन ए। इसका होता है पी बाई बी, ठीक है, पी बाय बी। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पी पी हम लोग का क्या था, पी था हम लोग का बी सी और बी है ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। और चौथा नंबर में क्या होता है, कोसेक ए, जो हम लोग का एच अपॉन पी होता है। यहाँ से हम लोग को ये दिख रहा है कि पी अपॉन एच और एच अपॉन पी में कोई रिलेशन है इनवर्स का, ठीक है। तो इनवर्स हमारा यहाँ होता है, इसका आंसर क्या होता है, इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी अपॉन बी सी, यस, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब पांचवा और छठा क्या होता है वो जान लो, ठीक है। पांचवा और छठा, पांचवा क्या होता है, पांचवा आप लोग का होता है शेक, क्या होता है, शेक, जो हम लोग का होता है बी बाय एच, ठीक है। जो बी बाय एच होता है ना वो कॉस का जो होता है वो इरेसिबल होता है। तो बी बाय एच का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें, तो बी है हमारा ए बी और एच है हमारा ए सी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी सॉरी यहाँ पर सॉरी सॉरी एक मिनट, ये जो होगा एच बाई बी होगा, ठीक है। क्या होगा, एच बाई बी, तो रिसेबल हो, यस। तो हमारा एच सबसे पहले आता है ए सी, ठीक है, क्या आएगा, ए सी और ए बी, तो ये है, ठीक है, बात होगी क्लियर आप लोग की। एच अपन, अब नेक्स्ट रेशियो है, एक और रेशियो बचा है जो किसको कहते हैं, कॉट ए, ठीक है। कॉट ए आपका होता है बी अपन बी, ठीक है। बी हमारा क्या है, ए बी और पी क्या है, बी सी। तो ये हमारा रेशियो हो जाता है कोई भी राइट ट्रायंगल का, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ पर आप लोग को माना गया सी,
क्या माना गया है, सी आपका एक क्यूट एंगल माना गया है। तो यहाँ पर 6 रेशियो दिखाया गया है, देख सकते हो आप लोग, ए बी एफ अपॉन ए सी बी सी, ये सब देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि पॉपुलर टेक्निक है रिमेंबर टी रेशियो का। ठीक है, तो कौन का है, पी बी पी एच एच बी। तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसको अब ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, अब देखो एस से हमारा साइन होता है तो वो होता है पी अपोन एच। ठीक है, कॉस क्या होता है, बी अपोन एच। टेन क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग का ये पता चला गया, उसके बाद हम लोग इसका रिवर्स करके हम लोग इसका नया निकालेंगे, कॉस एक्स सेक और कॉट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग अपनी कि ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू लर्न, प्लीज़ लर्न दिस। ओके, चलिए यहाँ पर एक टेबल आता है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल है, इसको भी याद करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लर्न करिएगा। और यहाँ पर इसका मतलब होता है अनडिफाइनाइट, यहाँ पर इनफिनाइट नहीं है, अनडिफाइनाइट होता है। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यहाँ पर, ये भी आप लोग की लर्न करने की चीज़ है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक शॉर्ट में रिविज़न करवा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब जो है ये सब आप लोग एक बार लुक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, देख लेना एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कि साइन 30 डिग्री क्या होता है। साइन 30, अच्छा एक बात मैं बताऊँ, इसको एक बार याद करने की एक ट्रिक होगी जो आपको मैं दे दूँगा कम्युनिटी में, या फिर हम दे देंगे उसमें कमेंट में बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसका याद करने का, लर्न करने का ट्रिक। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।